अगर मैं ताबिश से मिल रही हूँ तो आपको क्या इशू है? भाभी अपने काम से काम रखा करें प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है सब? हाँ सब खैरियत है। उर्वा तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं, सच सच बताओ किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सर मुझसे कोई क्या कहेगा, सब मेरे साथ इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा। नाइस। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्बा के हवाले से? नहीं नहीं अरसल, आपने तो हमेशा तुम्बा, देखो फिर तो लाजमी कोई बात है ना जिसकी वजह से तुम परेशान हो। आई कैन टोटली फील इट, तुम्हारे चेहरे से साफ परेशानी दिख रही है मुझे। अरसल मैं तुबा की वजह से परेशान, मेरी ना छठी हिस्स कह रही है कि क्या हुआ तुबा को? तुबा पता नहीं आप मेरी बात का यकीन भी करेंगे या नहीं, असल तुबा की एक लड़के से बहुत दोस्ती है, मुझे लगता है कि वो उसे पसंद करती है, मगर मुझे ये भी लगता है कि वो लड़का तुबा को धोखा दे रहा है। असल तुम कैसे जानती हो सर? मैं मिल चुकी हूँ उससे। क्या रियली सॉरी कि मैंने आपको नहीं बताया, याद है उससे ना मॉल गए थे, मैंने वहाँ पे तूबा को उस लड़के के साथ देखा, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन तूबा ने मुझे सख्ती से मना किया था इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। बस मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप तूबा से नाराज हो जाएंगे। उर्वा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था उसी वक्त, मैं और तूबा एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, वी आर लाइक फ्रेंड्स, हमारे बीच में कुछ ढका छुपा नहीं रहता। हैरत है तूबा ने मुझे ये बात नहीं बताई। क्योंकि वो अभी खुद भी कंफ्यूज है, आई थिंक जब वो फिगर आउट कर लेगी ना तो आप सबसे बात शेयर कर लेगी। मगर वो शादी के लिए भी तो मना कर रही है, बार बार रिश्ते रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि मुझे उससे खुद बात करनी चाहिए। अरसल क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि आप उस लड़की के बारे में पता करवाएं? मुझे पूरा यकीन है कि तूबा दिन ब दिन उसमें इन्वॉल्व होती जा रही है और उस लड़के के पास तूबा की कोई कमजोरी है, अगर आप पता करवाएं कि वो किस फितरत का है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो हमें तूबा को रोकने में आसानी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?